नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की वीडियो डिशवॉश लिक्विड पे है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। अभी तक मैं अपने बहुत से डिशवॉश लिक्विड प्रोडक्ट के वीडियो देखे होंगे और डिशवॉश लिक्विड बनाया भी होगा, लेकिन वो जितने भी डिशवॉश लिक्विड यूज़ हो रहे थे वो घर में यूज़ करने के लिए डिशवॉश लिक्विड के फॉर्मुलेशन थे। और आज इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो फॉर्मूला खास करके होटल में या फिर रेस्टोरेंट में या फिर किसी ढाबे पे जो बर्तन होते हैं उसको साफ़ करने के लिए लिक्विड बनाया जाता हो उसका फार्मूला ही है। ज़्यादा करके तो जो होटल वगैरह में बर्तन साफ़ करने के लिए लिक्विड यूज़ नहीं होता है, बहुत कम ही ऐसे होटल होते हैं जहाँ पे लिक्विड यूज़ करते। खास करके लोग पाउडर से ही साफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनके जो बर्तन होते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑयल वाले हो जाते हैं, कंटिन्यूसली उसमें खाना पकते रहता है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते। तो उसको आसानी से साफ़ कर सके ऐसा एक स्ट्रॉन्ग फार्मूला है डिशवॉश लिक्विड का। और साथ ही साथ ये फॉर्मूलेशन को आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। अगर आपके घर पे भी कोई ऐसे बर्तन है जो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हो या फिर उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लग जाता हो, तो उस टाइप के प्रोडक्ट साफ़ करने के लिए आप इस प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनेगा आपका, बस मेज़रमेंट और प्रोसेस को कम्प्लीटली फॉलो करना। और साथ ही साथ इस चीज़ को भी ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसमें मैं कहीं ना कहीं एक पॉइंट बताने वाला हूँ जो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके इस प्रोडक्ट को कम्प्लीट बनाने के लिए। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा फॉर्मुलेशन पे चलेंगे। पहली चीज़ ये ध्यान में रखना है, आपको रेशियो निकालना हो, नहीं आता हो तो मैंने रेशियो निकालने का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप कास्टिक सोडा का रेशियो कैसे निकाल सकते हो। फिलहाल इसमें आपका रेशियो आप खुद से सेट करना, लेकिन किस तरीके से सेट करना और क्या सेट करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरी चीज़, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पूरा देखने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो सीधा चलते हैं आज की फॉर्मुलेशन पे। सबसे पहले है सादा पानी और लगेगा एसिड स्लरी लगेगा, इसके साथ कास्टिक सोडा लगेगा। कास्टिक सोडा का लाई भी आप यूज़ कर सकते हो और कास्टिक सोडा भी आप यूज़ कर सकते हो, उसको भी पानी में आप डाइल्यूट करके उसकी लाई बना सकते हो। इसी के साथ लगेगा SLES लिक्विड, सॉल्ट लगेगा, कलर लगेगा और परफ्यूम लगेगा। तो शुरू करेंगे आज का वीडियो, एक सिंपल प्रोसीजर बताऊँगा और इसका मेज़रमेंट आपको वीडियो में ही साथ में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले पानी लेंगे थोड़ा सा, जो मेज़रमेंट यहाँ पे आपको वीडियो में शो होगा उस मेज़रमेंट के हिसाब से पानी में एसिड स्लरी को डाल देंगे और उसको अच्छे से घोल लेंगे, जिससे एसिड स्लरी का घोल बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। एसिड स्लरी का घोल बन जाने के बाद आपको उसमें कास्टिक सोडा डाल देना है, जो यहाँ पे मात्रा बताई जा रही है उसके हिसाब से आपको लाई बना के कास्टिक सोडा को एसिड स्लरी के घोल में डाल देना है और इसको कर देना है अच्छे से मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जब ये आपका pH हो जाए, उसके बाद आपको इसमें डाल देना है पानी। पानी की यहाँ पे मात्रा बताई जा रही है उसके हिसाब से आपको पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपको इसको कर देना है अच्छे से मिक्स। जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर दोगे, उसके बाद फिर आपको इसमें डालना है SLES लिक्विड। आपको इसमें डालना है जो भी यहाँ पे मात्रा बताई जा रही है उसके हिसाब से आपको SLES लिक्विड इसमें ऐड कर देना है। SLES लिक्विड ऐड करने के बाद आपको इसको कर देना है अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसको छोड़ देना है जब तक कि ये जो फॉर्म बना है ये नीचे ना बैठ जाए। मैं फ़िलहाल छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ तो आपको प्रोसीजर तुरंत बता रहा हूँ, आपको ये फॉर्म नीचे बैठ जाने देना है। जब ये फॉर्म नीचे बैठ जाए उसके बाद यहाँ पर जो मात्रा बताई है उसके हिसाब से आपको इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। सॉल्ट ऐड कर देने के बाद आपको कर देना है इसको अच्छे से मिक्स।
जब आप मिक्स कर दोगे ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका होगा, ये देख सकते हो काफ़ी ये ठीक है। ये फ़िलहाल हिल भी नहीं रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका है। जब ये आपका ठीक हो जाएगा इसके बाद आपको इसको छोड़ देना है करीब 10 से 12 घंटा ट्रांसपेरेंसी के लिए। 10 से 12 घंटा ट्रांसपेरेंसी की जब इस पर आ जाए 10 से 12 घंटा छोड़ने के बाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं इस वीडियो में कुछ बात बताने वाला हूँ, वो बात ये थी कि जब आपका ये प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंसी पे हो जाए, आपका प्रोडक्ट ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको इसके पीएच को जो 10 है वो 10 से आपको इसके पीएच को 9.5 या 9 तक लेके आना है साइट्रिक एसिड की मदद से। आपको इसमें साइट्रिक एसिड डालना है, साइट्रिक एसिड की मदद से आपको इसको लेके आना है 9.5 या 9 तक लेके आना है, जो कि काफ़ी अच्छी क्लीनिंग भी देगा और चिलेटिंग एजेंट का भी काम करेगा, जिससे जो बर्तन होते हो काफ़ी ज़्यादा आसानी से साफ़ हो जाएंगे। आप चाहो तो ये प्रोसीजर नमक डालने के साथ भी कर सकते हो या फिर ट्रांसपेरेंट हो जाए उसके बाद भी कर सकते हो। जब भी आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर आगे की प्रोसीजर अब देखेंगे। उसके बाद फिर आपको इसमें कलर ऐड कर देना है। फ़िलहाल मैंने कलर को पानी में घोल दिया है, आपको भी यही करना है, इसको पानी में घोल देना है। पानी में घोल देने के बाद आपको इसमें आवश्यकता के अनुसार आपको कलर डाल देना है। सो मैंने इसमें कलर डाल दिया है और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये फ़िलहाल मैंने ग्रीन कलर लिया है, आप जो चाहो वो कलर इसमें ले सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है इसलिए डिब्बा भी साथ में घूम रहा है। जब ये आपका मिक्स हो जाए अच्छे से इसके बाद फिर आपको इसमें डाल देना है परफ्यूम। परफ्यूम आपको वाटर बेस्ड लेना है, मैंने यहाँ पे लेमन का परफ्यूम लिया हुआ है, लेमन का परफ्यूम इसमें यूज़ होता है, वाटर बेस्ड परफ्यूम लेना है। जो भी यहाँ पर मात्रा है वो यहाँ पर शो होगी, आपको उतनी मात्रा में ही प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बनेगा। ये एक सिंपल प्रोसेस थी, यहाँ पे आपका डिशवॉश लिक्विड बनके रेडी हो चुका है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए 10 से 12 घंटा आपको छोड़ देना होगा, ट्रांसपेरेंसी अच्छी आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी और भी बिज़नेस आइडियाज़ के वीडियो आपको मिल जाए और आप एक अच्छा सा बिज़नेस कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सको। ओके।